हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बजट या इलेक्शन जैसे इवेंट जब भी आते हैं तो उसके पहले मार्केट में वॉलेटिलिटी लेवल हाई होता है और जो हमारा विक्स होता है वो राइज होता है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी में, ऐसी कंडीशंस में हम पुट कैलेंडर स्प्रेड को अप्लाई करके अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। मार्केट में डिफरेंट कंडीशंस आती हैं और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जब भी हमारा विक्स राइज हो रहा हो तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पर पुट कैलेंडर स्प्रेड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देता है। तो इसके क्या एडजस्टमेंट रूल्स हैं, कब डिप्लॉय करना चाहिए, कौन सा मंथ हमें सेलेक्ट करना चाहिए, ये सब हम देखते हैं। तो जो हमारी फेवरेबल कंडीशंस हैं, सबसे पहले हम देखें कि पहला विक्स राइज हो रहा हो और मार्केट अपसाइड जा रहा हो। अगर ये दोनों कंडीशंस होती हैं अप्लाई, तो हमें पुट कैलेंडर स्प्रेड में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं लगने वाला है। अब मान लीजिए विक्स राइज हो रहा हो और मार्केट अपसाइड की जगह डाउनसाइड आता है अगर, तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट करेंगे। और अगर मान लीजिए मार्केट पहले अपसाइड जाता है और उसके बाद वापस वहीं आ जाता है उसी लेवल पर जहाँ से अपसाइड गया था, तो इस कंडीशन में भी हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं लगने वाला है। हमें केवल एडजस्टमेंट तभी लगेगा जब मार्केट डाउनसाइड आ जाता है और विक्स राइज कर रहा होगा। हम पुट कैलेंडर तभी अप्लाई करेंगे जबकि हमारा विक्स राइज कर रहा हो। तो ये तो हमारी कंडीशंस रहेगी रहेगी। अब डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, सबसे पहला जो हमारा रूल है वो हम 1 तारीख को, हम मंथ की जो भी फर्स्ट डेट होगी, जो भी ट्रेडिंग डे होगा हमारा, उस दिन हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम पी ऑप्शन सेल करेंगे एट द मनी का। उसके बाद इसका जो भी ब्रेक इवन निकलेगा वो हम बाय कर लेंगे, वो फार मंथ की एक्सपायरी का। कैलेंडर में हम क्या करते हैं, करंट मंथ का स्ट्राइक सेल करते हैं और फार मंथ का हम बाय कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 1000 रुपीज़ की कोई स्ट्राइक सेल करी हमने पीई की, तो हम 1000 पॉइंट दूर नेक्स्ट मंथ का जो भी इस स्ट्राइक का ऑप्शन का प्राइस होगा वो हम वहाँ पर बाय कर लेंगे। तो ये हमारे सिंपल से डिप्लॉयमेंट के यहाँ पे रूल्स हो गए। अब हम चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं कि हमें कौन सा मंथ सेलेक्ट करें और किसकी हम बैक टेस्टिंग करने वाले हैं, वो मंथ हम वहाँ चार्ट पे चल के देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा इंडिया विक्स का चार्ट है और यहाँ देखें तो ये हमारा है जनवरी 2022 का मंथ। फरवरी में हमेशा बजट आता है, तो आप जितनी भी जनवरी देखेंगे यहाँ पर आपको सभी में विक्स राइज होता हुआ नजर आएगा। तो ये जनवरी 2022 है, यहाँ पर 35% विक्स राइज हुआ था। इसके बाद ये फरवरी है, यहाँ पर भी 30% विक्स राइज हुआ है। उसके पहले की अगर जनवरी आप चेक करें तो ये देखिए, ये जनवरी यहाँ पर 20% विक्स राइज हुआ है। यहाँ एक और, ये भी हमारे जनवरी का मंथ है, यहाँ पर 48% विक्स राइज हुआ है। और ये देखिए, ये जनवरी 2018 है, यहाँ पर 25% विक्स राइज हुआ है। तो जितने भी जनवरी के मंथ है जनरली उनमें विक्स राइज होता ही है। कारण फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारा क्या आता है, बजट आता है। तो बजट एक बड़ा इवेंट होता है, तो उस इवेंट के पहले हमारा जो है विक्स वो राइज करता है और हमारा मार्केट वोलेटाइल रहता है। और हम कैसे पता लगा सकते हैं कौन से मंथ हमारे लिए पुट कैलेंडर स्प्रेड अप्लाई करने के लिए अच्छे रहने वाले हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम RSI चार्ट को प्लॉट कर लिया है यहाँ हमने। तो जब भी RSI 40 के नीचे जाता है, तो यहाँ पर ये देखिए, जब भी हमारा RSI 40 के नीचे है तो यहाँ पर विक्स एकदम लो रहता है, और जैसे ही 40 क्रॉस करके अपसाइड की ओर जाएगा तो यहाँ पर हम पुट कैलेंडर स्प्रेड को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम पुट कैलेंडर स्प्रेड अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हम पुट कैलेंडर स्प्रेड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें विक्स राइज होता हुआ नजर आएगा। ये देखिए, ये पॉइंट है हमारा, यहाँ भी हमारा विक्स राइज हुआ, ये पॉइंट अभी रिसेंटली यहाँ पर देखिए विक्स राइज हो रहा है। तो ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ हमें पुट कैलेंडर स्प्रेड अप्लाई करने पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
अब हम देखते हैं मंथ्स, तो हम कौन से मंथ सेलेक्ट करते हैं, चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर, और यहाँ हम मंथली कैंडल्स में देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जनवरी का मंथ है, एक ये मंथ लेते हैं हम, और ये हमारा सेकंड फरवरी मंथ है, एक मंथ हम ये लेंगे। यहाँ पर मार्केट अपसाइड गया, ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन थी, और यहाँ मार्केट डाउन साइड की ओर आया है। तो हम दोनों मंथ की बैक टेस्टिंग करते हैं, जनवरी एंड फरवरी 2022। तो चलते हैं ऑप्शंस सिमुलेटर पर, और यहाँ पर हम ऑप्शंस सिमुलेटर पर गए, और यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया जनवरी मंथ, हमने सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ एक्सपायरी हमारी 27 को होने वाली है। यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं 27 जनवरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट द मनी का यहाँ पर हम पुट सेल करेंगे। अब बाय क्या करना है हमें, नेक्स्ट मंथ का जो भी इसका ब्रेक इवन निकलने वाला है वो हम बाय करेंगे। तो ब्रेक इवन क्या आ रहा है हमारा, 35,100। कब का बाय करेंगे, नेक्स्ट मंथ का। तो यहाँ हम जनवरी के बाद फरवरी ये हमने सेलेक्ट कर लिया है, ऑप्शन चेन पे चलते हैं। 35,100 का हम यहाँ बाय कर लेते हैं, 35,100 नहीं मिल रहा है तो 35 का ही बाय कर लेते हैं, तो ये हमने बाय कर लिया। तो ये देखिए, पुट कैलेंडर का जो हमारा पे ऑफ है इस टाइप का दिखता है, जैसे जैसे विक्स राइज करेगा ये जो रेंज है हमारी और बढ़ती जाएगी, ये रेंज हमें काफी और बड़ी मिलेगी, क्योंकि जो हमारा जो हमने बाय किया हैज वो फार मंथ का एक्सपायरी का हैज हमने बाय किया है, और जैसे जैसे विक्स राइज होगा तो जो हमारे फार मंथ के ऑप्शंस होते हैं उनकी प्रीमियम्स करंट मंथ के प्रीमियम्स की अपेक्षा में ज्यादा बढ़ती है, तो इसलिए जो ये हमारी रेंज है ये भी काफी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे विक्स राइज होगा। तो अभी भी हमें काफी बड़ी रेंज मिल रही है, अपसाइड में हम देखें तो यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट 10-12% के बाद ही लॉस होने वाला है, डाउन साइड में देखें हम इस पॉइंट से तो यहाँ पर हमें देखें तो लगभग 2% के बाद यहाँ पर कभी लॉस होगा हमें, तो हमें काफी बड़ी रेंज मिलती है पुट कैलेंडर स्प्रेड को डिप्लॉय करने पर। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं, एक दिन से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, हमें 2,800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है पहले दिन ही, और आगे चलते हैं यहाँ पर हम 3,300 का प्रॉफिट हो रहा है, और आगे चलते हैं यहाँ पर हम 3,200, और आगे चलते हैं यहाँ से हम 1,700, 3,700। तो ये मंथ हमने देखा था चार्ट्स में कि इस मंथ में मार्केट अपसाइड ही रही है, डाउन साइड नहीं आई। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे भी आ जाता, यहाँ से 7% नीचे भी यहाँ कहीं क्लोज होता, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता 15,000। पर अब हम इसको और आखिरी तक लेके चलते हैं, जो हमारी एक्सपायरी है वो 27 की है, और आगे चलते हैं यहाँ से हम, यहाँ से और आगे चलते हैं हम। तो 18 जनवरी तक आ चुके हैं हम यहाँ पर, 19 जनवरी आ गए हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, अभी हम 5,400 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ हमें 7,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, और आगे चलते हैं। ट्वेंटी फाइव जनवरी आ गई यहाँ पर, और यहाँ जो हमें अभी प्रॉफिट हो रहा है वो 11,000 समथिंग समथिंग हो रहा है, तो यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये हमारी एक्सपायरी आ चुकी है यहाँ पर 27 जनवरी, और यहाँ पे अभी जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 10,000 समथिंग समथिंग यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो सेकेंड मंथ है ये फरवरी का, ये सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर मार्केट डाउन साइड की ओर नीचे की ओर आया था, और यहाँ पर जो विक्स है, विक्स जरूर हमारा यहाँ पर राइज हुआ था। ये देखिए, ये फरवरी का मंथ है, यहाँ पर 30% का विक्स हमारा राइज हुआ था और मार्केट हमारा नीचे गया था। तो इस मंथ की ओर हम यहाँ पर बैक टेस्टिंग करके देखते हैं। तो चलते हैं ऑप्शन सिमुलेटर पर, और यहाँ पर हम हमारा इसे रीसेट करते हैं इसको, और
यहाँ पर हम हमारा मंथ सेलेक्ट करते हैं फरवरी, और एक्सपायरी जो है 24 24 यहाँ सेलेक्ट किए। तो यहाँ पर हम एट द मनी का पी सेल करते हैं सबसे पहले। ये हमने यहाँ पर एट द मनी का पी सेल कर दिया, और जो इसका ब्रेक इवन है वो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का हम बाय करेंगे। तो ब्रेक इवन क्या आ रहा है, 37,600 का हमारा यहाँ ब्रेक इवन आ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सपायरी जो है हमारी, जो ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा 37,600 के आसपास, 37,600, 37,500 मिल रहा है हमें यहाँ पर, और 37,500 मिल रहा है। ठीक है, यही बाय कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ बाय कर लिया। तो यहाँ ये देखिए, ये हमारा पे ऑफ बन के तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर वन डे से, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले दिन ही लगभग लगभग 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और आगे चलते हैं। यहाँ 5,700 का प्रॉफिट हो रहा है हमें। और आगे चलते हैं। थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड यहाँ से और आगे चलते हैं। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फोर हंड्रेड का लॉस हो रहा है लगभग। यहाँ 4,500 का हमें प्रॉफिट चल रहा है। तो ये देखिए, मार्केट एकदम से नीचे आ चुका है हमारा, और जो हमें लॉस हो रहा है अभी 3,500 के आसपास हो रहा है। और हमारा जो एडजस्टमेंट पॉइंट पे भी आ चुके हैं, यही है, ये हमारा एडजस्टमेंट पॉइंट है, ये जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं तो हम इस स्ट्रेटजी को यहाँ पर हम कर देंगे क्लोज। इसका एडजस्टमेंट यही है, यहाँ पर हम इसे करेंगे क्लोज। जो भी हमारा लॉस हो रहा होगा वो हम यहाँ बुक कर लेंगे। और हम यहाँ फिर से हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको डिप्लॉय कर देंगे इसी पॉइंट पे। तो यहाँ चलते हैं हम एट द मनी। ये रहा हमारा, ये तो हमारा नेक्स्ट मंथ का दिखा रहा है। यहाँ पे हम फरवरी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ हमारा एट द मनी का जो प्राइस है, ये देखिए 873 के आसपास आ रहा है। ये हमने सेल कर दिया, और जो इसका ब्रेक इवन है वो हम नेक्स्ट मंथ का बाय करेंगे। जो भी हमारा ब्रेक इवन आ रहा होगा, ब्रेक इवन आ रहा है हमारा 36,700। तो चलते हैं हम 31 मार्च में 36,700 बाय कर लेंगे। 36,700 40 डेल्टा है, तो हम उससे कम ही लेते हैं यहाँ पर, 38 समथिंग समथिंग, ठीक है चलेगा। ये हम बाय कर ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, ये हमारा पे ऑफ इस टाइप से दिख रहा है। और अब फिर हम आगे एक दिन से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अभी हमें 500 का प्रॉफिट दिख रहा है। और आगे चलते हैं यहाँ से। ये हमें 700 का प्रॉफिट हो रहा है। फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड का यहाँ प्रॉफिट चल रहा है अभी।
हम एक्सपायरी के आसपास लगभग आ भी चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए हमारा जो प्रॉफिट है वो 8,000 के आसपास अभी हमें चल रहा है। तो ये देखिए मार्केट हमारे यहाँ पर अगेंस्ट आया और उसके बाद भी यहाँ पर हमने प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है। तो पुट कैलेंडर स्प्रेड को आप जब भी विक्स राइज हो रहा हो अप्लाई करिए, और क्योंकि विक्स जो है हमारा राइज होता है उस केस में फार मंथ की जो भी हमारी ऑप्शंस की प्रीमियम होती है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है जो करंट मंथ की प्रीमियम की अपेक्षा। तो इस कारण से जो हमारा प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा जनरेट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।